राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब के चरण पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं आपको ले चल रहा हूँ दिल्ली की ओर। यहाँ है कसार माता देवी मंदिर, ऊपर में दर्शन किए और अब जा रहे हैं हम अपने घर की ओर। मेरे राम मेरे श्याम, काहे भटकूं मैं जमाने में। मेरे राम मेरे श्याम, काहे भटकूं मैं जमाने में। मुझे तो रहना है, मुझे तो बसना है श्री जी के बरसाने में। मेरे राम, जानता हूँ मैं बेसुरा हूँ, लेकिन राधे मुझे सुर भी देंगे, तो कहिए राधे राधे। अल्मोड़ा का बाजार। मेरे राम मेरे श्याम, काहे भटकूं मैं जमाने में। मुझे तो बसना है, मुझे तो रहना है श्री जी बरसाने में। यह है बाल मिठाई, यह है चॉकलेट सिंगोड़ी। यहाँ अल्मोड़े के अंदर बाल मिठाई, सिंगोड़ी और चॉकलेट आपको हर दुकान पे मिलेगी, यानी कि हर मिठाई की दुकान पे मिलेगी। फिर मैं दूसरी दुकान में आया हूँ, देखिए यहाँ भी बाल मिठाई, अन्य मिठाई भी है, लेकिन बाल मिठाई, चॉकलेट, सिंगोड़ी, ये अल्मोड़े की बहुत प्रसिद्ध मिठाई है। पूरे उत्तराखंड में ये बहुत चाव से खाई जाती है। लंच के लिए पूजा, ये प्यारी पूजा है दिल से दिल तक। आइए खाने में, खाने का आनंद लीजिए। पुत्री आपका हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। चलिए आप पहले पहले प्रवेश कीजिए और पूरा परिवार आक्रमण की तैयारी में है। मित्रों ध्यान से देख लीजिए होटल का नाम। कभी भी इस होटल में आके खाना मत खाइएगा। अभी बाहर निकले हैं, खाने में कोई स्वाद नहीं है और बासी खाना, उसमें महक आ रही थी। हमने बताया उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। बादल छा चुके हैं और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। 3 दिन बारिश, स्ट्रॉन्ग और पता नहीं क्या क्या है। इस गांव का नाम है चौसली। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली। ऐसा लगता है यह ब्रिज उस मकान वाले के लिए बनाया गया है। कार्य प्रगति पर। इस गांव का नाम है नावली। पहुंच गए हैं खैरना। खैरना में ये एक ही साइड में मार्केट है, राइट हैंड साइड पे मेरे भी, और ये बहुत बड़ी मार्केट है। ये है गर्म पानी की मार्केट। पहुंच गए हैं कैची धाम। जब से श्रीमती और श्री अनुष्का विराट कोहली ने यहाँ विजिट की है, दर्शन किए हैं, तब से भक्तों का तांता बेहिसाब बढ़ चुका है। कई मरतबा यहाँ पे 3-3 ज़्यादा घंटे का जाम भी लगता है। आप देख सकते हैं भक्ति भक्त, भक्ति भक्त, भक्ति भक्त, और वो है कैची धाम।
धाम क्या चीज, धाम क्या चीज। और ये है पार्किंग, अभी कम है, अभी पहुंच गए हैं मवाली। बहुत खूबसूरत है ये एरिया। यहाँ पर एक टीवी सैनिटोरियम है जहाँ पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की धर्मपत्नी कमला नेहरू का भी इलाज हुआ था। नया घर बनाया गया है पुराने स्टाइल में, खूबसूरत, कोई देखभाल करने वाले। अभी पहुंच गए हैं भीमताल, यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं हमारा। अभी पहुंच गए हैं कुटानी भीमताल, बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। और ये जो बंगले बने हुए हैं, कोठियाँ बनी हुई है, बहुत खूबसूरत। किसी भी चीज़ को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है, हर चीज़ को कैप्चर करने का मन कर रहा है। मकान ही मकान, मकान ही मकान हो रहे हैं। बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि अल्मोड़ा और इसके आसपास के इलाके में कल बारिश हुई है। यह है भीमताल झील, यहाँ वोटिंग होती है। पेड़ों से जो है क्लियर नहीं हो रहा है व्यू। लगा हुआ है जाम दूर तक। यह है भारतीय विद्वान, इसने जो है दूसरों के लिए भी परेशानी पैदा कर दी है। यहां भी जाम लगना शुरू हो चुका है। यह है उत्तराखंड का हाल, यहां भी जाम लगने शुरू हो चुके हैं। इस जगह का नाम है रानीबाग, यहां से 300 किलोमीटर आगे है पाठ गोदाम, जाम लगा हुआ है यहाँ पर। चिड़िया के लिए घर बना के रखे हुए है ना? जो बोले सो निहार, सत श्री अकाल। अभी हम पहुँच गए हैं काठगोदाम। इसका नाम काठगोदाम क्यों पड़ा है? एक थे डांसिंग बिस्ट जो पिथौरागढ़ के रहने वाले थे, पिथौरागढ़ में रहते थे वड्डा, उस समय के वो टिम्बर किंग थे। तो यहाँ पे जो है उनके काठ के बहुत बड़े गोदाम थे, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा काठ गोदाम। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शीशम के पेड़ों का जंगल है और कुछ नहीं है। गोला नदी, ये बरसाती नदी है। ये मित्रों अभी हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी और आगे ऐसा कुछ खास नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं उसे। तो ये जो है हल्द्वानी तक ही जो है लास्ट शूट किया था, तो वहीं तक दिखाऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, भारत माता की जय। जय हिंद।